गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि व्यू से आपको पता चल गया होगा कि हम लोग खंडहर में आए हुए हैं, बट ये खंडहर बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक जगह है। तो इसके बारे में अभी हम लोग से छोटा सा एक विवरण देंगे। तो आप एक बार संतोष की जुबानी एक बार सुनिए, क्या है यहाँ का इतिहास, फिर हम बताते हैं। बेसिकली ये बिहार में स्थित चीनी मिल है। यहाँ पे बहुत ही लार्ज स्केल पर गन्ने की पेराई होती थी और उसके प्रोसेसिंग के बाद चीनी और चीनी के प्रोडक्ट। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि ये चीनी मिल जो है मतलब बिहार का सबसे पुराना चीनी मिल है। ये आई थिंक 1904 में ये यहाँ का स्थापना हुआ था, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। कानपुर का एक मतलब एक मिल था जो कि यहाँ पे स्टार्ट किया था। और आगे आप बताइए। तो ये बदहाली है। अभी बिहार में लगभग 28-30 चीनी मिल थी, अभी 5-6 बच गई है और हर एक जगह का यही हाल है। बिहार में न्यू इंडस्ट्री नहीं लग रही है, लेकिन जो पुराने पहले से थे वो भी धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, जो कि बिहार में और भी ज़्यादा बेरोजगारी उत्पन्न कर रही है। बहुत ही दुखद है। सरकार को चाहिए कि फिर से इस तरह के हजारों एकड़ पर ज़मीन को यूटिलाइज किया जाए और इंडस्ट्री लगाया जाए ताकि बिहार के लोग बिहार में ही काम कर सकें। बहुत ही यहाँ देखकर बहुत ही खुशी भी हो रही है और साथ साथ दुखी इसलिए हो रही है कि इतना दुखी हो रही है। करोड़ों रुपया से बना हुआ चीनी मिल किस तरह से बर्बाद हो रहा है, खंडहर सब दिन हो गया है। आप लोग देख सकते हैं, किसी भी राज्य में क्या होता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है, लेकिन बिहार का क्या हुआ है, इंडस्ट्री में के क्षेत्र में लॉसेस हुआ है। जो चीनी मिल गया है, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे घट रही है, जो कि बढ़ना चाहिए। हम लोगों को जहाँ तक जानकारी है कि ये एक राजनीति के मसले में आके ये चीनी मिल मतलब वो ये ध्वस्त हो चुके हैं। ये यदि चीनी मिल चालू हो जाए तो लगभग इससे 10,000 से 12,000 डायरेक्ट इम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और साथ ही साथ लाखों इनडायरेक्ट इम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और साथ ही आस पास पास में कम से कम 17-18 गांव के आजू बाजू तहसील है, ये लोगों को मतलब यहाँ से कम से कम 20,000 किसान लोगों मतलब यहाँ से बहुत अच्छा डायरेक्ट इनकम होता था। यहाँ के 2-3 जिले के लोग किसान लोग गन्ने उपजा के यहाँ रॉ मटेरियल दे सकते हैं चीनी मिल को, और वो अच्छा चीनी गन्ना जो कि डायरेक्ट इनकम सोर्स माना जाता है। ये चीनी मिल दोबारा से स्टार्ट होने का भी मतलब प्रॉमिसेस सरकार के द्वारा प्रॉमिस किया गया है। सारा एरिया खंडहर में तब्दील हो गए हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति है यहाँ पे, दयनीय स्थिति को बोलते हैं। पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अगर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है तो बहुत ही मतलब ये गियर मैकेनिज्म जो है देख रहे हैं, एक एक गियर का डायमीटर लगभग 2-3 मीटर है और इसका लगभग मेरे ख्याल से ये 20-25 टन वजन का होगा और इसमें की पेराई हो सकती थी एक दिन में। देख सकते हैं किस तरह से ये पिनियन गियर करोड़ों रुपये का मशीन इस तरह से मिट्टी में धूल मिट्टी खा रही है। इसको बिहार सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और चाहिए कि खाली पड़े जमीन को यूटिलाइज किया जाए और साथ ही साथ एग्रीकल्चर वेस्ट इंडस्ट्री लगाना चाहिए ताकि जो हमारा माइग्रेशन हो रहा है यहाँ से ये पेड़ देखो यार, ये पेड़ वो रुक सके और बिहार के लोगों को ये वाला पेड़ दिखा। ये पेड़ देखिए, ये लगभग जमीन से 10 मीटर ऊंची दीवार है और उस पर ये 10 मीटर ऊंचा बरगद का पेड़ है और एक पेड़ यहाँ भी देख सकते हैं किस तरह से ये अपना सीरा फैलाए हुए जड़ को जकड़े हुए पूरी तरह से। और ये देखिए, ये इस तरह इसका व्हील, इसमें हम ये हमारे फ्रेंड लोग हैं जो मस्ती कर रहे हैं। ये हमारे कार्य क्षेत्र से बहुत ही नजदीक ही हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये नजारा देखिए, ये जो है बॉयलर मैकेनिज्म है जो कि इस मशीन को चलाने के लिए पावर सप्लाई करती थी। मतलब एक बड़ा पैमाना है बोल सकते हैं पावर सोर्स यहाँ से। ये देखिए भट्टी है जहाँ से कोयले के द्वारा स्टीम इंजन को चलाया जाता था। ये कितना मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये तकरीबन इसका जो मेन मशीनरी एरिया है वो 20-25 एकड़ में फैला हुआ है और ये हाउसिंग को लगाकर जो भी है इस सारा मिलाकर लगभग 170 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि बहुत लार्ज एरिया है। के बगल में एक मॉडर्न फैक्ट्री भी था जो कि यहाँ का जितना भी शुगर था डायरेक्ट मॉडर्न फैक्ट्री में सप्लाई होता था और दोनों कंपनी बहुत ही अच्छे सिरे से चल रही थी, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या राजनीति का प्रॉब्लम आया जिससे कि दोनों ही फैक्ट्री एक साथ बंद हो गई है। ये शायद 1998 में ये चीनी मिल तो 1998 में बंद हो गया, बाकी मॉडर्न का हमें उतना जानकारी नहीं है। तो आप लोग देखिए क्या हालत हो रखा है यहाँ पे। ये बिहार का
जिला छपरा है जिसे, और यहाँ पे मरहौरा एक ब्लॉक है उसमें चीनी मिल है, और यहाँ पे साथ ही साथ मॉडर्न फैक्ट्री चलती थी, और उसमें जो है ये टोटली एग्रीकल्चर बेस्ड था। इसमें दूध का भी जैसे मॉडर्न फैक्ट्री है उसमें रॉ मटेरियल के रूप में मिल्क और शुगर की जरूरत पड़ती थी, जो कि यहाँ लोकली अवेलेबल था, जो कि आम किसान को रोजगार तो देती ही थी, इनकम बहुत ही फायदा था, साथ ही साथ एम्प्लॉय को भी रोजगार देता था, और इस तरह से ये हजारों इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती थी। अभी बहुत इसका दयनीय स्थिति हो गया है, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये इस क्षेत्र का जो इतिहास है वो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। अभी यहाँ इसी क्षेत्र में मरहौरा में बड़ी खुशी की बात है कि एक न्यू इंडस्ट्री जो कि 2000 मेक इन इंडिया के थ्रू 2015 में इसका साइन हुआ और 17 में इंस्टॉल हो गया, और उससे भी अच्छी अच्छी बात है कि यहाँ पे हम लोग जॉब कर रहे हैं जी, जो कि अमेरिकन कंपनी है जो कि रेल इंजन बनाती है, और साथ ही साथ जो हमारा तेजस है उसकी भी इंजन जी ही बनाती थी, और वो एडिसन के द्वारा बनाया गया उसका इंडस्ट्री है। तो अब जरा सोचिए, अभी अमेरिकन कंपनी आके यहाँ इंडस्ट्री लगाई, वो हजार लोगों को 45,000 पावर का प्रोड्यूस करेगी, और साथ ही साथ ये भी ये इंडस्ट्री भी चालू रहता गन्ने मिल का और मॉडर्न का, तो ये एक बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्री हब बन जाता, और यहाँ पे लाखों एम्प्लॉय काम करते हैं। ये अभी जिस तरह से बिहार में इंडस्ट्री के लिए जाना जाने वाला एक क्षेत्र है बरौनी, उस ये दूसरा बरौनी बिहार का होता, क्योंकि यहाँ एक अभी न्यूली इंस्टॉल्ड कंपनी है और दो इंडस्ट्री पहले से रहती, और साथ ही तो जाहिर सी बात है हजारों एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती, और ये यहाँ का एरिया भी डेवलप्ड होता। लेकिन हुआ क्या, एक दो इंडस्ट्री बंद हुई तो एक इंडस्ट्री लगा, यहाँ हजारों एकड़ जमीन खाली है, सैकड़ों एकड़, उधर कुछ एकड़ जमीन को यूटिलाइज किया गया है। तो सरकार को चाहिए कि फिर से इसको इसका पुनरुत्थान किया जाना चाहिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है, हमारे सभी बिहार वासियों का रिक्वेस्ट है। ये बिहार का विकास तभी संभव है जब तक तभी संभव हो पाएगा जब, चलिए संतोष जी तो आगे आगे बताया जाए, तो आगे बढ़े यहाँ से, काम हो रही है, अंधेरा होने को है, अंधेरा का समय भी हो गया है, तो थोड़ा हम लोग जल्दी बढ़ेंगे यहाँ से ताकि सारा कुछ आप लोग को दिखा सकें। ये हमारे कुछ दोस्त जन है जो कि अपने अपने डिपार्टमेंट में थोड़ा बहुत रिसर्च में लगे हुए हैं, जो अभी तक गियर को स्पर गियर, स्पाइरल गियर, हेरिंग बोन गियर, ये सब गियर को किताब में पढ़े थे, फोटो में छोटे छोटे लाइव नजर आ रहा है यहाँ, आज उसको लाइव देख रहे हैं, वो एक्चुअल फिजिकली देख रहे हैं, और उसका अनुभव देख के बहुत ही खुश हो रहे हैं। ये देखिए क्या बात है, क्या बात है, टाइटैनिक, वाह 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 वाह, मस्त नजारा। मैं एक रहस्य की बात बताना चाहता हूँ कि जब हमने प्लान किया था कि हम चीनी मिल में जाएंगे तो संतोष बैग लेके आया था चीनी लेने के लिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ क्या नज़ारा रह गया है, अब जो भी है बहुत ही मतलब अब खंडहर स्थिति में रह गया है, यहाँ का बिल्कुल ही अस्तित्व मिट चुका है, जो कि हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, हम सभी बिहार वासियों के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अगर जो ये चीनी मिल रहता, मॉडर्न फैक्ट्री अगर जो रहता, तो आज इस टाइम में हमारे बिहार वासियों कहीं भी मतलब जाने की जरूरत नहीं थी, लगभग सारे लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ अपना कर रहे होते हैं। बट कोई नहीं, हमें हमारे प्रधानमंत्री से बहुत ही उम्मीद है, जो कि जैसे एक फैक्ट्री यहाँ पे स्टार्ट कराए हैं वैसे ही अनेक फैक्ट्री यहाँ स्टार्ट कराएं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े बियरिंग हैं, जो कि आपको बहुत ही करीबी से लाइव दिखा रहे हैं, जो लोग यहाँ के होंगे वो तो डेली आते होंगे, बट हम आज तक नहीं आए थे, यहाँ पे लगभग 3 साल से रह रहे हैं, हमें ये आज 100 मीटर दूरी पर हमारा रूम है, हमें ये नसीब हुआ आज बिहार का सबसे पुराना चीनी मिल देखने का। तो अभी हम लोग फोटो खिंचा रहे थे, फोटो सेशन चल रहा था, इधर देख सकते हैं अलग 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 पोज में कभी कौन सा पोज है, हेलो कौन सा पोज, ये एडजस्टमेंट हो रहा है कुछ भी। तो अब शाम हो चला है, तो हम लोग को भी जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ का जो स्थिति लग रहा है खंडहर वाला स्थिति है। अच्छा यहाँ पे गार्ड भी है क्या? तो सूत्रों से हमें पता चला है कि यहाँ पे गार्ड भी है, ये खंडहर का देखभाल के लिए एक गार्ड भी रखा हुआ है, जो कि तो यहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था है कि गार्ड है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, खंडहर में अगर कोई फंस गया रात बिरात तो उसको निकाला जा सकता है। यहाँ थोड़ा लाइट आया, ओवरहेड क्रेन कैसे खराब पड़ा हुआ है, अरे ये क्रेन है क्या? ओह माय गॉड, हम लोग यहाँ कौन क्रेन यूज होता है, ये देखिए आप, ये कौन सा क्रेन है, पुराने जमाने का ओवरहेड क्रेन, ओवरहेड क्रेन बोलते हैं, ऑपरेटर ऊपर बैठता है। हाँ
इस पे जो है ऑपरेटर ऊपर बैठता है, ऊपर से ही ऑपरेट होता है। तो अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो फिलहाल अब सभी लोग से सबका राय जानेंगे यहाँ पे, क्या इनका विचार है यहाँ पे, ये खंडहर को देख के क्या लगता है इनको, कुछ विकास चाहिए या क्या। तो अब सबसे पहले मनीष राणा बताएंगे आपको। करप्शन अगर जो ना होता तो आज ये एरिया काफ़ी डेवलप होता। करप्शन के कारण इतनी बड़ी जो मिल है जिसमें इतने एम्प्लॉय काम करते होंगे वो सब मतलब बर्बाद हो गया एक तरह से। तो ये सब को सोचना पड़ेगा एक तरह से, इतना बड़ा एरिया, इतनी बड़ी फैक्ट्री लगी थी। सबसे ज़्यादा सोचना है तो राजनीति, दो फैक्ट्री और थी यहाँ पर, एक मॉडर्न भी फैक्ट्री यहीं बगल में है, कभी उसे भी विजिट कराएंगे आप लोगों को। और मेरा ये मानना है कि बिहार जो है, पता नहीं मुझे चल रहा है बिहार विकास कर रहा है या फिर इसका जो है ये अनडेवलप्ड हो रहा है, प्राचीन युग में जा रहा है। क्योंकि जहाँ देखते हैं दिल्ली, मुंबई, पंजाब, जो भी अदर स्टेट है, वहाँ एक इंडस्ट्री है, अगले साल दो तीन चार होती है। लेकिन बिहार में क्या है, इसके जस्ट विपरीत है। पहले 28 थी, अब दो, अभी 5-6 बची है, हो गया 3 था, 2 हो गया, 1 हो गया, इस तरह से घटते जा रहा है। यही दिक्कत है, यहाँ विकास होना चाहिए तो इसका वो जस्ट विपरीत हो। अदर स्टेट में आप ये देख सकते हैं कितना इम्प्रूवमेंट है, और यहाँ का आप देख सकते हैं। ये अपने लड़के का नाम विकास ही रखेगा, इन्हें डिसाइड कर साल कुछ बोल लो। हम यहाँ पे तीसरी बार आ चुके हैं, तीसरी बार आए हैं, देख के थोड़ा यहाँ पे अच्छा लगता है इधर आके। हाँ, तो हम मिसाल को एज ए गाइड लेके आए थे, यही हमें लाके घुमाया, सारा दिखाया क्या है, नहीं है, किधर से रास्ता है, बहुत बड़ा बड़ा ये सब, फोटो का क्या व्यू आना चाहिए, सब सब पता है मिसाल को। तो मिसाल को इसलिए लेके आए थे। बाकी चलिए, तो आगे के बारे में आपको गन्ना फैक्ट्री के बारे में बताया गया। अगर ज्यादा डीपली चाहिए तो आप एक बार गूगल पे सर्च कर सकते हैं मढ़ौरा शुगर मिल, तो सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। फिलहाल इतना जानकारी शायद आप लोगों को काफी होगा। चलिए दोनों गाइस तो बने रहिए हमारे साथ और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। और अगर जो हमारे लोगों से जो भी जानकारी मिलती है, अगर जो आपको अच्छा लगता है, थोड़ा भी अच्छा लगता है, तो एक हमें थोड़ा सपोर्ट करें, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, ताकि हम भी नया नया कुछ आप लोगों को दिखाते रहें, बताते रहें, जानकारी देते रहें। चलिए ठीक है, और थैंक यू मनीष राणा, काफ़ी सपोर्ट करते हैं हमारे वीडियो में। तो चलिए, अरे गाड़ी इधर है भाई, ओ विशाल छोड़ के जाओगे क्या भाई। सो गाइस, ये मैं हूँ, ये माय कार, यार हमारे दोस्त पार्टी कर रहे हैं।